जो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले जो व्यक्ति है वह ज्यादातर देखना कि मैक्सिमम व्यक्ति जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वह हमेशा स्वस्थ मिलते हैं। आज बहुत सारे मेडिकल सर्वे हुए हैं, उन मेडिकल सर्वे में भी माना गया है कि सवेरे की जो खिलखिलाती जो धूप है अगर उसमें आप मॉर्निंग वॉक करेंगे सवेरे उठकर आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिनमें ये पाया गया है कि जो व्यक्ति अमृत वेला यानी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग तपस्याएं करते हैं वो व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जो हार्मोन्स हैं वो इतने ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होते हैं कि वो हमेशा अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक तंदुरुस्त फील करते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो सवेरे उठकर भगवान को याद करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें अर्ली मॉर्निंग उठें। आपकी बॉडी क्या मांगती है? एक्सरसाइज मांगती है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर मान के चलो कि आज मैं हूँ और चुपचाप से मैं खाना खा रहा हूँ और लगातार खाकर मैं सो जाता हूँ, फिर खा लेता हूँ फिर सो जाता हूँ, तो उससे क्या होगा? बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो अंग है वो अंग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डैमेज हो रहे हैं। क्योंकि जब अंगों का मूवमेंट नहीं होगा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो मसल्स के अंदर पावर कहां से आएंगी? न्यू मसल्स जनरेट कैसे होगी? इसलिए आपके शरीर के अंगों का लगातार मूवमेंट करना जरूरी होता है। आज आपका मोटापा क्यों बढ़ रहा है? मोटापे के पीछे की वजह क्या है? मोटापे के पीछे की वजह है कि आज एक्सरसाइज करना हमने छोड़ दिया है। आज हम अपने शरीर को इतना आराम पसंद बना लिया है कि हम एक्सरसाइज करना ही पसंद नहीं करते, हम उठना ही पसंद नहीं करते। 8-8, 9-9, 10-10 बजे सुबह उठते हैं और फिर हम आलसी होकर दिन भर पड़े रहते हैं। दिन भर हमारी आंखों में नींद भरी रहती है, कहीं दफ्तर में, कहीं ऑफिस में, कहीं पर भी हम बैठते हैं तो वहां बस नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक्सरसाइज मांगती थी लेकिन आपने नहीं दी। अब वो इतनी आलसी हो चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आराम पसंद है, और आराम पसंद है तो धीरे धीरे आपका पेट बड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे आपके शरीर पर फैट बढ़ने लगेगा, और फैट बढ़ेगा तो उसका मतलब साथ साथ बीमारियां भी आ रही है। आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा, और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हार्ट अटैक, बीपी, शुगर और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं वो आपके शरीर में आने लग जाएगी। एक बीमारी दूसरी बीमारी को लेकर आएगी, दूसरी तीसरी को लेकर आएगी, और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर बीमारियों से भर जाएगा। मोटापे की वजह से आपके घुटने दर्द करने लगेंगे क्योंकि पैरों पर इतना ज़्यादा भार आ रहा है कि वो आप उसके पैर बेचारे जवाब देने लगते हैं। तो आपने देखा होगा मोटे जो व्यक्ति होते हैं जो इनका पैर हेल्थ ज़्यादा होती है उनमें पैरों की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, पैर दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लगातार बॉडी में बहुत सारा फैट जमा होने की वजह से बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी डैमेज हो जाती है, पूरी डैमेज हो जाती है, और बीमारियां बहुत ज़्यादा, कभी ये बीमारी तो कभी वो बीमारी, और उन बीमारियों की वजह से हम टेबलेट खाते खाते जाते हैं और वो टेबलेट हमारी कभी बंद ही नहीं होती। और जब आप लगातार टेबलेट खाएंगे तो टेबलेट की वजह से आपका और ज़्यादा मोटापा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो ड्रग्स होती है वह कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कहीं कहीं मोटापा जनरेट करती है और कहीं कहीं मोटापा ख़त्म कर देती है। तो आपके बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर ख़त्म होते चले जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति हो, मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के मैं तंदुरुस्त नहीं रह सकता, बिना एक्सरसाइज के मैं किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तीसरा टिप्स, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें। ये बीमारी में भी हेल्प करेगा और आपकी जो सोचने की जो क्षमता है उसको भी इंक्रीज करेगा। हमेशा पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त रहा करते हैं, क्योंकि आज शारीरिक जो बीमारियां हैं वो तो है,
लेकिन आज सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आपके मन की बीमारी है। मन की बीमारी क्या? टेंशन। टेंशन से ही सब काम होते हैं। दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो रोग देखा गया है वह टेंशन की वजह से देखा गया है। बहुत सारी रिसर्च है, आप चाहे तो पूरा इंटरनेट भरा है रिसर्च से। सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ अगर किसी रिसर्च में पाई गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। टेंशन की वजह से आज क्या हो रहा है, इंसान सोचने समझने की क्षमता खो चुका है। टेंशन की वजह से बीमारियां बढ़ रही है, बीपी, शुगर, थायराइड, बहुत सारी कितनी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां जो टेंशन की वजह से होती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन होते ना कि एक तो पॉइंटेड सोर्स और एक नॉन पॉइंटेड सोर्स। पॉइंटेड सोर्स तो वो जो डायरेक्ट टेंशन से जुड़े हुए हैं, और नॉन पॉइंटेड सोर्स जो टेंशन से नहीं लेकिन टेंशन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जिम्मेदार है। आज बीमारियां की वजह क्या है, आज सबसे ज्यादा बीमारियां हैं मन की, हमारे मन की बीमारियां हैं। हमने कुछ सुना और सुन के हमारे माइंड में बिठा लिया, बिठाते चार दिन तक उस बात को खींचते रहे और टेंशन इतनी ज्यादा होगी कि हेडेक हो गया, दिमाग गर्म हो गया, दिमाग में सिर में वजन आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सिर दर्द हो गया। सिर दर्द धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट होता है, माइग्रेन से धीरे धीरे चिड़चिड़ा इंसान होता है। चिड़चिड़ा इंसान की वजह से फिर वो क्या करता है, खाना भी ज्यादा खाएगा, कुछ तला भला भी खाएगा, तो धीरे धीरे फैट बढ़ने लगता है, और फैट की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। तो टेंशन को थोड़ा सा कम करें। मानसिक बीमारियों को कम करने के सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। आप जितना ज़्यादा योग करेंगे आपकी मन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसी कारण जीवन में हमेशा याद रखें कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, स्वस्थ रहना है और हमेशा खुश रहना है। धन्यवाद। थैंक यू।